बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर डाली। बता दें कि हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि 55 तरह के व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का हाल भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को लेकर मेरी आपत्ति है और जीवन भर रहेगी। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो चिंगवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो है पर 200 रुपया को ले रखा, हमको इस बात का दुख। मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में, अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे, उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी, गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना। नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पटना के परिसर में केंद्रीकृत लॉन्ड्री का उद्घाटन किया गया। वहीं 100 सैया वाले प्री फैबफिल्ड अस्पताल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास भी इस मौके पर किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय वैशाली फेस्टिवल और डेमोक्रेसी के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के उपरांत विश्व धरोहर नालंदा खंडहर देखने पहुंचे। इनके आगमन को लेकर मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का खंडहर परिसर में आगमन पर पुरातत्व विभाग के सहायक अधीक्षक पुरातत्व शंकर शर्मा ने गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान हिमंत बिस्व शर्मा ने करीब 1 घंटे तक विश्व धरोहर के सभी स्तूप मॉनेस्ट्री को काफी बारीकी से समझा और उनके इतिहास को भी जाना। आके बहुत बड़ा गर्व का महसूस हुआ। मैं जीवन का पहला बार नालंदा आया और नालंदा का जो इतिहास, नालंदा का जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी, ये सारे देख के मन में बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ कि हम ऐसा एक भारत में जन्म लिया जो भारत में नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी था। साथ साथ में एक बहुत बड़ा गुस्सा का भी एक फीलिंग आया कि ये बहुत ऐसा ज्ञान का मंदिर को भी कोई डिस्ट्रक्शन कर सकता है, कोई ढंग कर सकता है। तो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी शुक्रवार को अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी पहुंचे, जहां निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हजारों मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन के साथ यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान संकल्प रथ पर सवार सहनी के सीतामढ़ी पहुंचने पर सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिस पड़ाव पर सहनी पहुंचे वहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान रून्नीसैदपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि निषाद मेरा परिवार है और परिवार की बात करना अगर अपराध है तो ये अपराध मैं बार बार करूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग उन्हें 2025 में सीएम उम्मीदवार बनाने की शर्त पर बुला रहे हैं, लेकिन गुलामी करना मंजूर नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें गुलामी स्वीकार नहीं, अपने परिवार समाज के अधिकार की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। आज आपके बच्चे का हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। 75 सालों में आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए और आने वाला 75 साल तक कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। साथियों, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, आप कैसे माँ बाप हैं, हम कैसे माँ बाप हैं, हम कितना मजबूर हैं। आज हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं लिखा पाते हैं, आज हम इतना मजबूर हैं कि हमारे गोद में बच्चा दम तोड़ देता है, हम बच्चे को इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमारे पास आपके पास पैसा नहीं है और इसके कारण आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। लेकिन बड़े लोगों का बच्चे, उसके पास पैसा होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, वो अपने बच्चे को जिंदगी दे देते हैं। लेकिन गरीब समाज का लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, निषाद,
ऐसे परिवार के लोग, जब बच्चा उसके दम उसके माँ बाप के सामने में दम तोड़ देता है, माँ बाप कुछ नहीं कर पाता है। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप चाहते हैं कि इतने तकलीफ में आप जिंदगी जिए हैं, आपके आने वाले बच्चे भी ऐसे जिंदगी जिए? क्या बताइए ना। निशान समाज के परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो कोई गुनाह करता है या कोई पाप करता है? आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, वो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी के जिंदगी जीता है, तो इसलिए साथियों उसको बेहतर जिंदगी कौन देगा? उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, उसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। और इस सब लड़ाई में जो बाबा साहब ने आपको जो शक्ति दिया, पावर दिया वोट गिराने का, तो आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन दूसरे लोग आगे बढ़ जा रहा है लेकिन आप पीछे रह जा रहे हैं। तो साथियों, आपको अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज अगर हमारे पास शक्ति होता, पावर होता, तो आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण नहीं मिला जिसके कारण हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। साथियों, नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए आप। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर नए हलचल का संकेत दे रही। नीतीश कुमार अगर 18 साल से लगातार बिहार के सीएम बने हुए हैं तो इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला ये कि समता पार्टी और बाद में जेडीयू बनने की कहानी का आधार ही आरजेडी का विरोध रहा है। लालू राज को जंगल राज बताकर ही नीतीश ने लालू राबड़ी राज को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की थी। दूसरा, नीतीश कुमार का जातीय आधार लवकुश समीकरण वाले वोटर रहे हैं। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने और सम्राट चौधरी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश के वोटरों की संख्या अब सिर्फ स्वजातीय यानी कुर्मी वोटों तक ही सिमट कर रह गई है। बीजेपी ने उसमें भी सेंधमारी कर दी है। आरसीपी सिंह को अपने साथ लेकर बीजेपी ने नीतीश के वोट काटने का बंदोबस्त कर दिया है। आरजेडी शासन का आतंक झेल चुके जो वोटर बीजेपी और जेडीयू के साथ आए थे, वे भी नीतीश के आरजेडी के साथ जाने पर बिदके हुए हैं। नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, ऐसा नहीं है कि वो राजनीति के नौसिखिए खिलाड़ी हैं। उन्हें महागठबंधन के साथ जाने के बाद अब इस बात का अंदाजा लग गया है कि उनसे चूक तो हुई ही है। शायद यही वजह है कि G20 बैठक के दौरान राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने शामिल होने का फैसला लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सियासत क्या कुछ करवट लेती है। लेकिन उनकी पहचान जो बढ़ी वह जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। आपको याद होगा, स्मरण होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके, जब उनके मात्र 7 विधायक थे, उस समय भी लोगों ने उनको नेता हम लोगों ने मान लिया, और 40-42 विधायक उनकी थी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में थी और हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। जी नहीं, हाँ निश्चित रूप से आरजेडी के विरोध पर तो बने ही हैं, लेकिन सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी तुरंत बदल देते हैं अपना, जहां सत्ता के मलाई देखते हैं वहां चले जाते हैं। तभी तो आप देखे हैं 17 में भी चले गए और फिर मेरे यहां आ गए और फिर चले गए। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जनता में खत्म हो गई है। देखिए, किसी को भी नेता जो है सो जनता बनाती है, जनता से जो जुड़ेगा वह नेता बनेगा। और भाजपा कब क्या बोलती है, कभी तो कहती है कि नीतीश कुमार को नेता भाजपा बनाई है, यह भी बोली है भाजपा। तो इसलिए भाजपा कुछ ना कुछ जो है ना, असल में अभी भाजपा का पूरे सारे नेताओं का माइंड सेट गड़बड़ा गया है। कहाँ क्या बोलना है खुद उन्हें भी पता नहीं है। तुरंत जब उनके प्रधानमंत्री जी इंडिया अलायंस के बारे में कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ नामकरण कर देते हैं, कभी कुछ, तो जो है सो जो उनके शीर्ष नेतृत्व जो है खुद वो जो है सो घबराहट में और समझिए कि घबरा कर और हड़बड़ा कर जो है सो जो है तो खुद वो नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस रूप में हम इंडिया अलायंस पर हम के खिलाफ कुछ बोलें। तो भाजपा तो अभी बौखलाई हुई है एकदम, और चूंकि जो भाजपा की उम्मीद थी कई नेताओं के बारे में कि वो एक साथ नहीं आ सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी जी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकता है,
देखिए, दरअसल अभी जो परिस्थितियां देश में बनी और जिसके कारण इंडिया गठबंधन बन गया, दरअसल भारतीय जनता पार्टी 9 साल से शासन काल में है भारत में, देश में। 9 साल पहले जब सत्ता में आई, उससे पहले इन्होंने चुनाव के दरमियान मोदी जी ने जनता के साथ कई बड़े बड़े वादे किए, कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, 1 मिनट, महंगाई के मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी उपलब्धि के नाम पर नहीं है, और देश की जनता सवाल का जवाब मांग रही कि आपने जो 9 साल पहले वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। देश के सामने बड़े बड़े गंभीर संकट सामने खड़ा हो गए। सबसे बड़ी चुनौती तो इस देश का संविधान की बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के दिए गए विवादित बयान को लेकर उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री को ऐसी बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और उन्हें अपने विभाग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की भावनाओं का कद्र करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में जो अच्छा काम हो रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रही। इसके अलावा उन्होंने भड़काऊ न्यूज दिखाने वाले चैनलों के बारे में कहा कि जो लोग एजेंडा चला रहे हैं वैसे चैनलों से हम सभी अपने आप को किनारा कर लिए। संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में, क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो हैं अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। लेकिन और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है, तो हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, ये सबको इग्नोर करना चाहिए। संविधान में